मैं सबसे पहले शुभकामना देना चाहता हूँ ये राजेंद्र रावत जी और उनकी टीम को कि इन्होंने हमारी जो गढ़वाल की जो एक विलुप्त होती परंपरा थी उसको उजागर करने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। और माधव सिंह भंडारी गढ़वाल के गौरव थे और गढ़वाल के गौरव को आगे लाना, एक गौरवमयी परंपरा को इन्होंने जो आगे बढ़ाया, बहुत बड़ी उत्कृष्ट बात इन्होंने, उत्कृष्ट कार्य इन्होंने किया है। दोबारा ये दूसरी बात माधव सिंह भंडारी का प्ले कितना जोश लोगों में देख रहे हैं? मैंने कई बार लोगों से सुना इस बारे में, इस संबंध में, तो लोग, हमारे लोग अपने भले ही आधुनिकता को अपना रहे हैं लेकिन अपनी पुरानी जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसकी ओर लौट रहे हैं और लोगों में बड़ा चाव है देखने के लिए कि हमारी पुरानी विरासत क्या थी, हमारी संस्कृति क्या थी। माधव सिंह भंडारी मात्र एक नाटक नहीं है, ये हमारी जो प्राचीन मध्यकालीन जो 300-400 साल पहले की जो संस्कृति थी उसको प्रतिबिंबित करने का एक माध्यम है और बहुत अच्छा प्रयास है हमारी नई पीढ़ी को, खासतौर से हमारे पुरानी प्राचीन परंपराओं को से परिचित कराने के लिए। पहले तो पूरी माधव सिंह भंडारी टीम को मैं शुभकामना देना चाहूँगी कि इनके द्वारा जो आयोजन हो रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। और माधव सिंह भंडारी हमारे उत्तराखंड के एक बहुत ही बड़ा वीरभद्र थे जिन्होंने उत्तराखंड की धरोहर के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत अच्छा उनका जो कार्य रहा है, सराहनीय रहा है। और उनके लेकर उन जो ये अभिनय किया जाता है माधव सिंह भंडारी, इसके लिए आपको शब्द नहीं है मेरे पास कि किन शब्दों से मैं इसको सराहना करूं कि उत्तराखंड में जो भीड़ भर माधव सिंह भंडारी का आयोजन होता है बहुत ही बड़े लेवल पे इस चीज़ को दिखाया जाता है। और 24-25 तारीख को इसका मंचन है यहाँ पे, तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगी कि आप ज़रूर आइए और इस चीज़ को देखें क्योंकि ये हमारी परंपरा है, हमारी धरोहर से जुड़ी हुई, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ एक वीर भर का जो चित्रण होता है, जीवन वृंत जो दिखाया जाता है, तो आप सभी आइए और इस चीज़ को देखिए। धन्यवाद। मैं उसको बहुत सकारात्मक नज़रिए से देखती हूँ कि उत्तराखंड की संस्कृति के लिए जो इन्होंने एक विषय चुना है माधव सिंह भंडारी जी का, मलेथा के ही नहीं पूरे गढ़वाल के हीरो रहे हैं और ऐतिहासिक जो उनकी गरिमा है, गौरव है, उसका प्रस्तुतिकरण पर्वतीय नाट्य मंच मुंबई के लोग कर रहे हैं, ये संस्था कर रही है, तो मैं उनकी उनके लिए बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ और आशा करती हूँ कि अधिक से अधिक लोग इस अवसर पर उपस्थित हों और इस कार्यक्रम और इस नाट्य का जो सुंदर मंच है ना उसका अवलोकन करें। और इन सबको शुभकामनाएं, सभी कलाकारों को, पूरी टीम को मेरी तरफ से। ये वीरभद्र माधव सिंह भंडारी एक अपने आप में बहुत, मतलब गढ़वाल के एक वीरभद्रों में से एक हैं और उनकी कल्पना तो हम अब बहुत ही कम है कि जो कर सकते हैं, पर यह है कि जो वीर पुरुष ऐसा है जो अपने बालक का बलिदान तक दे सकते हैं, ऐसे वीरभद्र होना बहुत, मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जो दूसरे के लिए, हम तो ये सोचते हैं कि जो दूसरे के लिए समाज सेवा कर सकते हैं आज वही काफ़ी है, क्योंकि आज की डेट में जो चीज़ें हैं या उस टाइम पे जो थी वो आज नहीं कर सकते हैं आदमी, तो अपने आप में एक वीरभद्र माधव सिंह भंडारी
बहुत लोहा पुरुष थे। इस वीरभद्र माधव सिंह भंडारी जो गीत नाटिका थी ये मैं अभी तक 5 बार में परफॉर्म करी छू और मैं ये मैं उदिना को कैरेक्टर जी चुके प्ले करूँ छूँ तो मे को ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं तो ये बहुत बड़ो मौका मिलू कि मैं ये प्ले में एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाऊँ छूँ तो ये बहुत ही बड़ा मौका छू तो आप लोग ये प्ले तो देखने के लिए जरूर आया 24 और 25 नवंबर शाम 6 बजे ग्राउंड में। और ये नाटक का हमारा जो उद्देश्य थी ये चाहिए जो कि नया जो भी बच्चा जिन नया कलाकार जिन उनके एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी एक कार्यक्रम का माध्यम से मिली जो कि लेकिन एक साथ 170 कलाकार जो थे हमारी पूरी जो टीम थी वो ये प्ले तो करनी चाहिए और एक साथ मंच में मौजूद रहनी चाहिए तो बहुत बड़ा मौका चाहिए सब। अच्छा दो दूसरी बार ये कार्यक्रम होना चाहिए और आप लगातार करेक्टर में चाहिए ये कार्यक्रम जो देहरादून में दूसरी बार मिली छो और ये कार्यक्रम हम एक बार पहले 2016 में देहरादून में अपन स्कूल में करी छे और एक बार ऋषिकेश में 2 बार हुए और एक बार टीयर महोत्सव में हुए और एक बार मसूरी में हुए और अब एक बार दोबारा जनता की भारी डिमांड की वजह से एक बार दोबारा एक में होनी चाहिए कार्यक्रम। मैं ये देखता हूँ कि ये इस शहर का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा अद्भुत ये साहस शौर्य बलिदान और कर्तव्य निष्ठा की इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती है। और मैंने तो 2010 में ये नाटक बॉम्बे में देखा था और तब मैंने ये निश्चय किया ये नाटक देख कर कि ये तो अद्भुत कलाकृति है और ये ज़रूर हमारे उत्तराखंड के जन जन को देखनी चाहिए और तभी ये निश्चय किया था कि इसका हम पहला शो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में करेंगे। और 20 फरवरी 2016 को रेस कोर्स के बन्नू ग्राउंड में हमने इस शो का आयोजन किया और बहुत ही सफल वो हमारा शो रहा। उस समय भी लगभग करीब 5,000 लोगों की उसमें उपस्थिति थी और बहुत सफल हुआ। जिसने में ये शो देखा उन्होंने ये कहा कि आज तक इतना सुंदर कोई नृत्य नाटिका हमने यहाँ पे देखी नहीं, इतना सुंदर अभिनय चाहे किसी भी निर्देशन की दृष्टि से देख दें, कलाकारियों की जो परफॉर्मेंस है उसकी दृष्टि से देखें या जो हमारी संस्कृति है जो हमारी सभ्यता है गढ़वाल की उसकी दृष्टि से देखें तो इससे बढ़िया कोई कृति नहीं हो सकती है। और अब तो ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि गवर्नमेंट इसके महत्व को समझते हुए स्वयं इसको ऑर्गेनाइज कर रहे स्वयं इसका वो आयोजन कर रही है और 2 दिन इसका आयोजन होना है 24 और 25 नवंबर को। तो मैं तो इस शहर के हर उस संस्कृति प्रेमी से हर उस व्यक्ति से जो अपनी परंपराओं के लिए अपने संस्कृति के लिए जिसके मन में प्रेम हो वो अवश्य सपरिवार इस नाटक को देखें और इनका उत्साहवर्धन करें इन कलाकारों का। और ख़ास करके मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमारे अद्भुत कलाकार हैं श्री बलदेव राणा जी और उनकी जो पूरी टीम है इनकी हौसला अफजाई भी करें और अपने संस्कृति के प्रति एक बार अपना प्रेम भी दिखाएं। और देखिए हम सबके लिए ऐतिहासिक क्षण है कि माधव सिंह भंडारी जी का मंचन देहरादून में सरकार के द्वारा किया जा रहा है और ये हमारे जो पौराणिक संस्कार रहे हैं किस तरह से एक व्यक्ति सबके हित के लिए अपने बेटे की बलि देता है सार्वजनिक हित के लिए ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। उसका मंचन यहाँ हो रहा है, मुझे लगता है कि वहाँ पर सब लोग आएंगे भी देखेंगे भी और वो क्षण बड़े भावुक होते हैं कि जब एक बाप अपने बेटे की बलि सार्वजनिक हित के लिए देता है तो ये हम सब के लिए ऐतिहासिक क्षण है। लेकिन इसके लिए बहुत अच्छी तैयारियां हो रही है, यहाँ पर जितनी भी देहरादून की जितनी भजन मंडली है जितनी सामाजिक संगठन है उनसे हम लोग संपर्क मचना और टाउन हॉल से माँ नंदा देवी की यात्रा निकाली जाएगी और 24 तारीख को वीरभद्र माधव सिंह भंडारी की जो आयोजन होगा उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं उनको हमने पर्वत्य नाट्य मंच ने जो है वो खजानदास जी को सौंपा है और लगभग कोशिश पूरी है कि जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनसे हम लोग लगभग सभी से हम लोग मिल चुके हैं और पूरी ये है कि जथ कभी कैबिनेट मंत्री छ ना और जथ कभी विधायक छ ना लगभग हम सभी विधायक उतनी
और सभी कैबिनेट मंत्रियों से बुलाना चाहता ना और ते मन जो लगभग जो सभी ओण तैयार से लिए जी हाँ। बहुत बहुत टफ चुनौती अग्नि परीक्षा एक्चुअली देखा जाए तो इस टाइम पे, क्योंकि एक दिन का कार्यक्रम और दो दिन के कार्यक्रम में, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब भी हमने एक बार करी माधव सिंह भंडारी, जब भी हमने एक बार करी तो फिर लोगों की बात हुई कि यार दोबारा होता, इसको दोबारा करना चाहिए था, दोबारा करना चाहिए था। तो जख बिटिन हम देहरादून बिटिन पहाड़ों में जब हमने उत्तराखंड में देहरादून से इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, तो अब इसी देहरादून से अब दो दिवसीय कार्यक्रम हम यहाँ शुरुआत करना चाह रहे हैं। अगर इसमें अगर हमें सफलता मिलती है, अगर हम लोग इसमें सक्सेस होते हैं, अगर देहरादून की तमाम जो जनता है वो अपने ऐतिहासिक इस वीर गाथा को देखने के लिए अगर आती है और आएगी, मुझे विश्वास है, तो ये डेफिनेट है कि आने वाले समय में हम लोग इसको दो दिवसीय के कार्यक्रम जो है आने वाले समय में इसकी ऐसी रूपरेखा हम लोग बनाएंगे। लेकिन मेरी निवेदन है उत्तराखंड की जनता से, जत कभी हमारा दीदी भूली छन, हमारा भैजी छन, जत कभी हमारा समाज का लोग छन या उत्तराखंड का जो लोग छन, जो उत्तराखंड में रहने वाले छन, कि आउन और देखुन वे वीर भड़ माधव सिंह भंडारी की ऐतिहासिक गाथा थे। जे वीर भड़न एक 82 एकड़ भूमि सिंचित करने का खातिर अपना बेटा को बलिदान देनी और गढ़वाल की और पूरे उत्तराखंड की जो सीमाओं पर जो कई सीमा रेखा बनाए ना, तो आओ वो देखो वो वीर भड़ माधव सिंह भंडारी की कथा थे और हम क्या करी क्या नहीं करी, क्या कथ का लगी अच्छी लगी या बुरी लगी, वो पब्लिक जो बाद में ओपिनियन बताला कि हम उन कथ का सफल हुए आयोजन करो। ये बहुत ही मतलब हर्ष का विषय है कि माधव सिंह भंडारी जैसे कैरेक्टर को, किरदार को, युग पुरुष क्या ऐसे मतलब हिमालय का सबूत जिसे कहा जा सकता है, उनका अगर प्रचार प्रसार अगर हमारी भावी पीढ़ियों के लिए किया जा रहा है तो बहुत ही मतलब बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए। बहुत मैं पर्वतीय नाट्य मंच को इस विषय में बहुत ही मतलब धन्यवाद देता हूँ कि वो इसको इस विधा का प्रचार प्रसार करते हैं। देखिए, पहली बार हम एक कोशिश कर रहे हैं कि एक ही नाटक वीर भड़ माधव सिंह भंडारी दो दिन 24 और 25 नवंबर को शाम 6 बजे परेड ग्राउंड में होगा और ये एक अलग अनुभव है कि एक ही नाटक को दो दिन चलाना। हम देखना चाह रहे हैं कि जो जनता है, हमेशा हमने देखा कि जैसे ही ये गीत नाटिका समाप्त होती है तो लोगों में एक उत्सुकता रहती है कि बहुत अच्छा उन लोगों को लगता है, वो कहते हैं कि फिर कब होगा। तो हमने कोशिश की है कि दूसरे दिन हम इसको दोबारा करेंगे क्योंकि उस दिन समय भी ठीक है, शनिवार 24 तारीख को है और 25 तारीख को रविवार है, तो संभवतः ऐसा हमारा मानना है कि लोग जो है रिपीट होना चाहते हैं। जैसे हमारे सामने कोई फिल्म बहुत अच्छी होती है और हम उसको कई कई बार देखते हैं, तो ऐसा ही इस गीत नृत्य नाटिका में है कि लोग इसको बार बार देखना चाहते हैं। इस अनुभव के आधार पर हमने सोचा कि हम इसको दो दिवसीय मंचन इसका परेड ग्राउंड देहरादून में करेंगे